कल के दिन सभी को काफी बड़ा झटका लगा जिस वक्त दिव्या अग्रवाल ने सामने आकर वरुण सूद के साथ अपना ब्रेकअप अनाउंस किया है। जी हाँ, इस वक्त हर तरफ ये खबरें वायरल हो रही हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं, चलिए आपको बताती हूँ। आप सभी को बता दूं कि दिव्या अग्रवाल ने इस वक्त एक शॉकिंग अपडेट दी है और कहीं ना कहीं हर कोई काफी ज्यादा अचंभित है इस खबर से। दिव्या ने कल के दिन एक तस्वीर पोस्ट की जहां पर सिर्फ दिव्या की आंखें नजर आ रही हैं, रॉ एंड अनफिल्टर्ड। जी हां, इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दिव्या लिखती हैं, लाइफ इज सच अ सर्कस, ट्राई एंड कीप एवरीवन हैप्पी, एक्सपेक्ट नथिंग, दैट्स ट्रू, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द सेल्फ लव स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, नो आई डोंट ब्लेम एनीवन फॉर एनीथिंग दैट्स हैपनिंग टू मी, आई फील वर्क्ड अप एंड दैट्स ओके, आई वॉन्ट टू ब्रीद एंड लिव फॉर माई सेल्फ, that's okay, I hereby formally declare that I am on my own in this life and would like to take my time to live the way I want to, no it's not always necessary to have big statements, excuses and reasons for a decision, it's just my choice to step out of it, this is just my choice, aage Divya likhti hai, I really value and love all the happy moments I spent with him, he's a great guy, he will always be my best friend with a red heart, प्लीज रिस्पेक्ट माई डिसीजन। जैसे ही दिव्या ने इसे पोस्ट किया है उसके साथ साथ तुरंत ही कई सारे लोगों के जो है रिएक्शन सामने आ गए हैं। आपको बता दूं, किशोर मर्चेंट कहती हैं, विशिंग गुड फॉर बोथ ऑफ यू, और कहीं ना कहीं ये दिव्या अग्रवाल का ही डिसीजन था जिसके बाद से फैंस वाकई बहुत ज्यादा झटके में है, फैंस काफी ज्यादा शॉक है। अब इस बात पर आप लोगों की क्या है रिएक्शन, ये आप लोग बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले तक दिव्या और वरुण दोनों ही सोशल मीडिया पर लगातार अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और लगातार वैलेंटाइंस डे भी दोनों ने एक दूसरे को विश किया था। सो डेफिनेटली अचानक से ये खबर आना फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। रजिस्ट्रेशन के बाद आते तो मिठाई भी मिलती, अभी आ गई। कोई बात नहीं, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। पार्किंग मिली पहले? नहीं। हां जी, पार्किंग मिला? पार्किंग मिल गया वहां पे। थैंक यू सो मच। वेट वेट, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। हां अंदर मना कर रहा है, तो अंदर जाने के लिए।